जागृति समिति ने किया विरोध, हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप, फिल्म लक्ष्मी बम पर भड़का गुस्सा। मुंबई में फिल्म लक्ष्मी बम पर बवाल मचा है। फिल्म अपने रिलीज से पहले ही अपने टाइटल को लेकर विवादों में आ गई है। हिंदू जनजागृति समिति ने इस फिल्म को हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश सिंधे का कहना है कि 9 नवंबर को प्रदर्शित होने वाली इस फिल्म का टाइटल हिंदू देवी के नाम पर रखकर हिंदुओं के भावनाओं को आहत किया गया है। अगले माह में 9 नवंबर को एक सिनेमा प्रदर्शित होने वाला है। इस सिनेमा का नाम रखा गया है लक्ष्मी बॉम्ब। हिंदू जनजागृति समिति इस सिनेमा का पूरी तरह से विरोध कर रही है और इस विरोध का प्रमुख कारण यह है कि उस सिनेमा का जो नाम रखा गया है उसके अंदर हिंदू धर्म की एक सबसे पवित्र हमारी जो देवता है माँ लक्ष्मी देवी, उसका बॉम्ब के साथ क्यों संबंध जोड़ा जा रहा है। सिंधे ने बॉलीवुड पर आरोप लगाते हुए कहा कि बॉलीवुड हमेशा से हिंदू विरोधी और जेहाद फैलाने वाला काम कर रहा है। आखिर जो फिल्में बन रही हैं वह दूसरे धर्मों के आराध्यों के नाम पर क्यों नहीं बन रही, यह बॉलीवुड की सोची समझी चाल है। बॉलीवुड सदा से ही हिंदू विरोधी काम कर रहा है। जिहाद एक तरीके से उन्होंने फैलाने का काम किया है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि यहाँ पर फिल्म का नाम अमीना बॉम्ब क्यों नहीं है, फातिमा बॉम्ब क्यों नहीं है, आयशा बॉम्ब क्यों नहीं है, क्यों आप मुसलमानों से डरते हैं और हिंदू धर्म की जब बात आती है तो उसके ऊपर आप सहूलियत लेकर के हिंदू धर्म और हिंदू देवताओं की बदनामी करती है, उनको एक मजाक के रूप में दिखाया जाता है। हिंदू जन जागृति समिति का कहना है कि इस फिल्म में लव जिहाद का प्रमोशन किया जा रहा है। फिल्म में नायक को मुस्लिम और नायिका को हिंदू आखिर क्यों दिखाया जा रहा। यहाँ पर इस फिल्म में भी एक प्रकार से लव जिहाद का प्रमोशन आप कर रहे हैं कि जो नायक जो है, हीरो जो है, उसका नाम आसिफ मुसलमान रखा गया है और नायिका जो है, हीरोइन जो है, उसका नाम हिंदू रखा गया है। क्यों ऐसा करते हैं बॉलीवुड के द्वारा? क्या बॉलीवुड इन सब चीजों को प्रमोट कर रहा है? हिंदू जनजागृति समिति ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से सवाल किया है कि आपको 14% मुस्लिम भावनाओं की तो चिंता है लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की कोई चिंता नहीं। मेरा महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री से यह प्रश्न है कि जब भारत में मोहम्मद मैसेंजर द गॉड ये सिनेमा आ रहा था तब आपने खुद उसकी दखल लेकर के आपने केंद्र सरकार को पत्र भेजा कि यह फिल्म यदि भारत में प्रदर्शित होगी तो मुसलमानों की भावना आहत होगी, तो आपको 14% माइनॉरिटी मुसलमानों की धर्म भावनाओं की तो चिंता है लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म भावनाओं की चिंता नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो हिंदू जनजागृति समिति की कुछ हद तक बातें सही लगती हैं, क्योंकि धार्मिक भावनाएं चाहे अल्पसंख्यकों की हों या फिर बहुसंख्यकों की, ठेस किसी को भी नहीं लगना चाहिए। स्पेशल डेस्क TV1 India। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।